हम देख रहे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑसिलेटर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्फिगरेशन ऑफ द फिगर इज, एक डायग्राम हमें गिवन है और क्वेश्चन पूछा गया है कि ये डायग्राम जो है वो कौन से ऑसिलेटर की डायग्राम है। तो ऑप्शन गिवन है हमारे पास, ऑप्शन ए है प्रेसिजन इंटीग्रेटर, ऑप्शन बी है हार्टली ऑसिलेटर, ऑप्शन सी है बटरवर्थ हाई पास फिल्टर और ऑप्शन डी है वेन ब्रिज ऑसिलेटर। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन इसका क्या होगा। यहाँ पे जो डायग्राम गिवन है, तो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमें गिवन है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दो रेजिस्टर्स है, एक फीडबैक रेजिस्टेंस है R2 एंड एक रेजिस्टेंस है R1 जो ग्राउंड से कनेक्टेड है, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे RC कॉम्बिनेशन दिया है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है रेजिस्टर और कैपेसिटर का, और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया गया है एक रेजिस्टर और कैपेसिटर का, और आउटपुट वोल्टेज हमने लिया है। तो देखते हैं ये डायग्राम किसकी है। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, अगर डायग्राम में हमारे पास सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में RC अगर गिवन है, रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास गिवन है, तो ये जो ऑसिलेटर होगा वो होगा वेन ब्रिज ऑसिलेटर, क्योंकि R1 और R2 ये दोनों भी पैरेलल में है। R1 एंड R2 बोथ आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, और RC जो है, R एंड C ये बोथ आर, R एंड C बोथ आर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो दिस कॉम्बिनेशन इज सी इन वी द वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ये जो सारा कॉम्बिनेशन है R और C का, R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें वेन ब्रिज ऑसिलेटर में देखने को मिलता है, और एक साथ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वेन ब्रिज ऑसिलेटर में देखने को मिलता है रजिस्टर और कैपेसिटर का। अगर रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक साथ अगर डायग्राम में गिवन है, तो जो फीडबैक रेजिस्टेंस है R2 और R1 ये भी पैरेलल में होंगे, इसलिए जो गिवन डायग्राम है वो होगी हमारी वेन ब्रिज ऑसिलेटर की डायग्राम, वेन ब्रिज ऑसिलेटर की डायग्राम होगी गिवन डायग्राम। इसलिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज द वेन ब्रिज ऑसिलेटर।